एक बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को रोकेंगे आपको, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल रही है। 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है। ईडी के समन न मांगने के मामले पर ये जमानत दी गई है। समझिए, दो पूरे मामले हैं, एक ईडी के सामने समन न होने, ईडी के सामने प्रस्तुत न होने का मामला है, वहीं शराब आबकारी घोटाला मामला है। तो ये जो जमानत मिली है वो ईडी के सामने पेश न होने के मामले में जमानत मिली है, 15,000 के निजी मुचलके पर, जो कि मानव भी इस वक्त की बड़ी अपडेट हमें बता रहे थे। 15,000 के निजी मुचलके पर कम से कम एक मामले में अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है। ईडी के समन्स न मानने के मामले में ये जमानत दी गई है। अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से 8 बार समन्स भेजा गया, लेकिन कोई ना कोई बहाना देकर, कोई ना कोई वजह बताकर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए थे। और इसी पूरे मामले में अब 15,000 के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को अब जमानत मिल गई है, बेल मिल गई है। सीधा हमारे सहयोगी आनंद का भी रुख कर लेंगे। आनंद, कम से कम ये जो दो केस थे उसमें एक केस में तो थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, बेल मिल गई है अरविंद केजरीवाल को। देखिए अंकिता, ये इतना पेचीदा मामला है, मैं आपको बता दूं, ये जो जमानत मिली है, जो जानकारी मिल रही है, ये जो 174 की जो कार्रवाई थी, जो ईडी ने कंप्लेंट फाइल की थी, वो एक जमानती अपराध था। उस मामले में जो बेल बॉन्ड भरा है अरविंद केजरीवाल तरफ से, उस पर उन्हें बेल जो है जमानत दी गई है। लेकिन अभी जो ईडी ने समन्स किए हैं लगातार, उस पर आगे अभी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही, जो ईडी सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें 8 समन्स भेजे जा चुके हैं और जो ईडी सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें ईडी फिर से समन्स कर सकती है पूछताछ में शामिल होने के लिए, बुलाने के लिए। तो अभी अरविंद केजरीवाल को जो राहत मिली है वो जो ईडी ने जो कंप्लेंट फाइल की थी उस मामले में उन्हें जमानत मिली है, जो जानकारी अब तक मिल रही है, जो सामने आ रही है। ठीक है आनंद, बने रहिए हमारे आप साथ, आप हम एक बार मानव का भी रुख कर लेंगे। मानव, अभी फिलहाल के लिए ये फौरी तौर पर राहत दिखाई दे रही है, लेकिन मामला क्या आगे पेचीदा समझें या राहें आसान होंगी अरविंद केजरीवाल के लिए, क्या देख पा रहे हैं आप आगे? बिल्कुल, देखिए हमको इसमें इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट ने और क्या क्या कहा है इस मामले में। जमानत मिल चुकी है, अरविंद केजरीवाल कोर्ट से भी निकल गए हैं, ये मैं अपने दर्शकों को ताज़ा अपडेट दे रहा हूं, और ये जो सारी जानकारी हमको लाइव वहाँ से मिल रही है। कोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या कहा कुछ कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे इस पूरे कथित शराब घोटाले की एक दिशा, जाँच की दिशा तय होगी कि आगे किस दिशा में ये जांच जाएगी। क्योंकि आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होते हैं, वो ईडी के सवालों के जवाब देते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जांच में सहयोग होगा। और ईडी भी यही दलील कोर्ट में दे रही है, जमानत मिलना अलग चीज है, क्योंकि टेक्निकल पहलू है, जमानती धाराओं में ईडी ने शिकायत दी थी कोर्ट के अंदर, उसमें जमानत मिल गई है 15,000 के निजी मुचलके पर। लेकिन कोर्ट ने बाकी क्या कुछ चीजें कही हैं उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उससे इस पूरे मामले की जो दिशा है वो तय होनी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुखिया है, मुख्यमंत्री भी है, और इसके साथ साथ उनकी देखरेख में ये सारा मामला हुआ है, ऐसा ईडी दावा करती रही है। आनंद, जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं रमेश गुप्ता, क्या कोई जानकारी इस बारे में निकलकर सामने आई है कि उन्होंने क्या दलील दी है कोर्ट के सामने? देखिए कुछ देर के बाद जो रमेश गुप्ता हैं वो भी वहां पर मीडिया से बात करेंगे, बताएंगे कि किस तरह की पूरी कोर्ट की सुनवाई रही है। लेकिन जो अंकिता जानकारी मिल रही है, जो जमानत मिली है, आनंद लौटेंगे आपके पास अरविंद केजरीवाल के इस पूरे मामले पर, हम सीधा प्रियंका को रुख कर लेंगे। प्रियंका, क्या लेटेस्ट अपडेट है आपके पास? प्रियंका, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? प्रियंका का हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्हें निजी मुचलके पर 15,000 के निजी मुचलके पर फिलहाल के लिए बेल दे दी गई है। और ईडी की याचिका से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला था, जिस पर कोर्ट में पेश होने के लिए उन्हें 7 मार्च को समन जारी किया गया था। एक बार फिर से हम सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी आनंद का भी। आनंद, रमेश गुप्ता अरविंद केजरीवाल के वकील की ओर से कोई जानकारी कोर्ट में किस तरह की दलील दी गई? देखिए अंकिता, जो जानकारी आ रही है कि रमेश गुप्ता अब बहस की शुरुआत करेंगे, यानी कि अभी जो 174 की जो कार्रवाई थी, जो कंप्लेंट फाइल की थी ईडी ने, उस मामले में जरूर अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई है, उन्हें 15,000 के बेल बॉन्ड पे जमानत मिल गई। लेकिन जो पीएमएलए का मामला, यानी जो शराब घोटाला मामला है, जिसमें ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल को समन्स कर रही थी, उस पर कोई राहत अभी अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली, जैसा कि अब तक की जानकारी सामने आ रही है। अभी कोर्ट में जब बहस शुरू होगी तब ये तमाम चीजें साफ हो पाएंगी कि किस तरह से रमेश गुप्ता जो अरविंद केजरीवाल तरफ से पेश हुए हैं वो क्या। आनंद लौटेंगे आपके पास, सीनियर एडिटर विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं।
विक्रांत जी, अभी तो फिलहाल के लिए बेल मिल गई है एक मामले में अरविंद केजरीवाल को, लेकिन ये पूरा प्रोसेस क्या है और आगे क्या कुछ रहने वाला है, हमारे दर्शकों को यही करके समझाइए जरा। देखिए, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को समझना होगा कि आज जो मामला कोर्ट में था वो केवल और केवल इतना था कि ईडी ने एक शिकायत दर्ज करवाई कोर्ट में कि हमने जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन किया है उसकी तामील नहीं हो पा रही है, वो कोर्ट में पेश जानबूझकर नहीं, वो ईडी के सामने जानबूझकर पेश नहीं हो रहे हैं। तो वो एक शिकायत सीआरपीसी के तहत करवाई थी कोर्ट में, उस मामले में अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने बेल बोन भरा, क्योंकि ये समझिए कि इस अपराध में केवल एक महीने की सजा और ₹500 जुर्माने का प्रावधान है। ये बेल कोर्ट के सामने बेल उन्हें मिल गई है, अब वो अपने घर वापस निकल गए हैं। अब इस मामले की शिकायत पर बहस चलेगी, दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखेंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने समन की तामील क्यों नहीं की, ये उनके वकील बताएंगे, और जो समन पर आना चाहिए था वो ईडी बताएगी। इसका ईडी के बाकी समन जारी करने से या आगे समन जारी करने से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं है। ईडी अभी भी अरविंद केजरीवाल को समन कर सकती है, दोबारा से उन्हें बुला सकती है, लेकिन इस कोर्ट के सामने ये सवाल नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ईडी के सामने पेश करवाया जाए, ये कोर्ट को तय नहीं करना। कोर्ट के सामने केवल इतना मामला है कि अरविंद केजरीवाल पिछले समन पर पेश नहीं हुए, लिहाजा उनके खिलाफ आईपीसी के तहत अपराध बनता है, उस अपराध के लिए शिकायत ईडी ने की थी, जिस मामले में अरविंद केजरीवाल ने पेश होकर के बेल ले ली है। अब इस मामले का ट्रायल चलेगा, निचली अदालत में पूरी सुनवाई होगी, पूरा ट्रायल चलेगा, दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखेंगे, उसके बाद जाकर अदालत अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन ईडी अगर चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को वो पूछताछ करना चाहती है दोबारा बुलाने के लिए, तो वो दोबारा से उन्हें समन कर सकती है। शुक्रिया विक्रांत आपका, नजर बनाए रखें, लौटेंगे आपके पास, लेकिन आनंद का भी रुख कर लेंगे। आनंद, ये तो एक अलग मामला है, लेकिन मेन मामला जो है दिल्ली आबकारी शराब घोटाला मामला, उस पर तो अभी भी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी ही आगे, ऐसा है क्या? देखिए अंकिता, बिल्कुल जिस तरह से विक्रांत जी ने भी बताया, वो कानूनी यही पहलू है कि जो 174 की कार्रवाई के लिए ईडी कोर्ट पहुंची थी, कंप्लेंट फाइल की थी, वो एक जमानती अपराध था, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई और वो निकल गए। लेकिन ये थे अभी पीएमएलए का जो पीएमएलए के तहत जो सम्मन्स किए गए अरविंद केजरीवाल को 8 बार, अभी उस पर अब यहाँ पर बहस होगी, उस पर ईडी अपनी दलील रख सकती है, कोर्ट को ये बता सकती है कि अरविंद केजरीवाल को 8 बार सम्मन्स किए जा चुके हैं और वो बार बार सम्मन्स में पेश नहीं हो रहे हैं, और अभी ईडी के पास ये भी विकल्प है कि वो उन्हें 9वां सम्मन या 10वां सम्मन भी पूछताछ के लिए भेज सकती है और देखेगी कि क्या अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर इन दो संबंध पे भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो एक तीसरी कंप्लेंट फाइल भी जो है वो ईडी जो है वो क्राउज एवेन्यू कोर्ट में कर सकती है, जैसा कि हमने देखा हेमंत सोरेन के मामले में, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद भी एक कंप्लेंट फाइल जो है वो ईडी ने कोर्ट में फाइल करी थी कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे और वो ईडी की पूछताछ में लगातार 7-8 सम्मन के बावजूद भी पेश नहीं हो रहे थे। तो ये कानूनी विकल्प है, ईडी के पास भी है और अरविंद केजरीवाल के वकीलों के पास भी है, जिस तरह से जमानती अपराध है तो जमानत आज उन्हें मिल गई है, लेकिन अभी जो ईडी के सम्मन से उनसे अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है और अभी ईडी के पास विकल्प खुले हुए हैं, वो कोर्ट भी जा सकती है, वो फिर से अरविंद केजरीवाल को सम्मन भी कर सकती है। जी आनंद, ये तो हमने ईडी के पास कौन सा विकल्प है इनकी बात कर ली, लेकिन मानो जरा हमें अब ये समझाइए कि अब आम आदमी पार्टी और खासकर अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उनके पास क्या कुछ विकल्प दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ेगी अब आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी इस मामले में पार्टी ही नहीं है, और दिल्ली सरकार के जो मनीष सिसोदिया, क्योंकि उस एक्साइज पॉलिसी उनके अधीन थी, उनके देखरेख में सारी बनी थी, हालांकि ये चर्चा जरूर चली थी कि इस क्या मामले में आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। और हम अभी आपको बता दें कि कोर्ट में क्या हुआ, हम आपको ये भी बता देते हैं। कोर्ट में हुआ ये तरीके से कि ईडी की तरफ से कोई विरोध इस बात का नहीं किया गया, जब कोर्ट ने कहा कि ठीक है जमानती वारंट आप भरिए और आप जमानत ले सकते हैं। इसके बाद जो गुप्ता हैं, जो वकील हैं अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जाने दिया जाए और बहस जारी रखी जाए, और इसका विरोध ईडी ने नहीं किया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल वहां से चले गए और अब इस मामले पर पूरी बहस वहां पर चल रही है, ये पूरा ट्रायल आगे चलता रहेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये जरूर कहा गया है कि ये सारे समन ईडी के हैं वो गैर कानूनी है और एक द्वेष की भावना से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल को भेजे जा रहे हैं। मानो क्योंकि आप के कविता का भी जिक्र कर रहे थे, कोई जानकारी क्या इस बारे में आ रही है कि अब से थोड़ी ही देर में के कविता भी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचने वाली है?
बिल्कुल, देखिए पीएमएलए का जो मामला है वो इसी कोर्ट में चल रहा है। थोड़ी देर के बाद की कविता को भी पेश किया यहाँ पर जाएगा। हैदराबाद में कल उनकी गिरफ्तारी हुई थी, देर रात उनको ईडी हेडक्वार्टर लाया गया है, आज सुबह उनका मेडिकल कराया गया है। टीम बकायदा मेडिकल के लिए पहुंची थी। कल कार्रवाई के दौरान 5 घंटे उनके घर पर छानबीन चली है, उसमें 5 उनके मोबाइल फोन जब्त हुए हैं और 2 समन्स पर के कविता ने कोई जवाब नहीं दिया था। इसके चलते के कविता को गिरफ्तार किया गया है और बकायदा पंचनामा में यह भी लिखा गया है कि उनकी गिरफ्तारी के समय बीआरएस के तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने सरकारी काम में एजेंसी के काम में बाधा पहुंचाई है। तो इन तमाम ये दूसरा पहलू है, मामला एक ही है आबकारी नीति का और इसमें थोड़ी देर के बाद के कविता की पेशी भी इसी राव रेवेन्यू कोर्ट में होनी है। ठीक है मानव, एक बार आनंद का भी रुख कर लेते हैं। आनंद, कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, कोई जानकारी इस बारे में पॉइंट दर पॉइंट हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट पहुंचे, उनके जो वकील है रमेश गुप्ता वो कोर्ट पहुंचे थे, जो ईडी की तरफ से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे वो कोर्ट पहुंचे थे और उसके बाद वहां पर चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक जमानती अपराध था, इसलिए अरविंद केजरीवाल को बेल बॉन्ड भर के उन्होंने जमानत ले ली और वो वापस निकल गए। अभी अब जो है वो सुनवाई चल रही है, अभी रमेश गुप्ता जो है अपनी बात रख रहे हैं, उसके बाद ईडी की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जो लिकर घोटाला है, दिल्ली आबकारी घोटाला जो है, उसमें अरविंद केजरीवाल को 8 समन ईडी की तरफ से भेजे जा चुके हैं। अभी ईडी के पास काफ़ी विकल्प हैं, वो वापस कोर्ट जा सकती है, वो 9वां समन भी अरविंद केजरीवाल को दे सकती है, अगर अरविंद केजरीवाल 9वें समन पे भी नहीं आते तो उन्हें 10वां समन भी जो है वो भेजा जा सकता है। तो देखना होगा कि क्या अब ईडी की तरफ से किस तरह की आगे रणनीति होगी, क्या वो 9वां समन अब अरविंद केजरीवाल को करेगी या आज कोर्ट में किस तरह की दलील वो रखेगी। ईडी की जो ईडी की तरफ से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं वो जनरल है, वो क्या क्या बातें रखते हैं और रमेश गुप्ता जो है वो अरविंद केजरीवाल तरफ से क्या दलीलें रखेंगे, इनके बाद ही आगे जो है कुछ रुख जो है वो तय होगा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी आगे क्या करना चाहती है या किस तरह की वो कानूनी विकल्प का जो है वो अपना जो है वो कानूनी विकल्प का इस्तेमाल करेगी।